दूध देख रहे हो ना, 16108 पेड़ है इस बंजंदर में। 16108 पेड़ है। गोपी थी हमारी कन्हैया की, पठानी जो हमारी कन्हैया गोपी है। आज भी जो पेड़ रात में गोपी कृष्ण बनते हैं और जो भक्त इनका विश्वास नहीं करते हैं उन्हें समाधि की शिलाओं में पाते हैं। इन लोगों ने विश्वास नहीं किया यहाँ पे, यहाँ कहते थे यहाँ मजाक होता है, इस बंदे अंदर में कोई लीला नहीं होती होगी, तो इन्होंने चोरी छुपे से पेड़ों के पीछे दुख के तो सब भक्तों की समाधि आई जो रात में रुक जाते हैं। यहाँ रात में चोरी से रुक जाते हैं उनकी समाधि, समाधियाँ सब देखिए, सबके नाम डेट ऑफ बर्थ बना लो। ये निधिवन के जो भी पेड़ है आप देख रहे हैं, नीचे से बिल्कुल सूखे और एकदम खोखले हैं, लेकिन ऊपर से इनकी पत्तियां एकदम हरी भरी हैं। और कहा यह जाता है कि रात में 8 बजे के बाद जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे, कितने पेड़ हैं, 16108, ये सारे पेड़ रात में 8 बजे के बाद सभी गोपियां बन जाती है। ये जो जगह आप देख रहे हैं यही वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आज भी अपनी 16000 पटरानियों के साथ रास रचाते हैं। गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी फिलहाल हमने खाना खा लिया है और आप सबको पता है कि अभी हम वृंदावन में हैं, तो अभी हम चल रहे हैं सबसे ज्यादा फेमस जगह पे वृंदावन के, जो कि है निधिवन। और निधिवन की बहुत सारी मान्यताएं हैं कि वहां पे भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अभी भी आते हैं वहां रात में वो, और गोपियों के साथ रास रचाते। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। चलते हैं अभी। फिलहाल हम निधिवन पहुंच चुके हैं और हमने एक गाइड भी हायर कर लिया है इसके लिए कि हमको बेटर जानकारी मिल सके यहाँ के बारे में और आपको भी जानकारी दे सके। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सचिन शर्मा है जी। हम यहाँ के ब्राह्मण है ब्रजवासी, तो सभी भक्तों को दर्शन कराते हैं, उस बंदे बारे में यात्री की जानकारी दी। तो प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नाम बिहारी लाल की जय। क्योंकि वृंदावन में जो स्थान है उसी का घर बसता है, और जो वृंदावन में आकर के रोता है वो अपने नैने में आकर के खोता है। तो इस वन के हमारे 3 नाम है, निधिवन, मधुवन, तुलसीवन। ये सारा जंगल हाँ तुलसीवन बोलते हैं इसको, अच्छा। निधिवन, मधुवन, तुलसीवन। तो ये सारा जंगल जो आप देख रहे हो पूरा जंगल तुलसी का जंगल है मेरे बड़े भैया। ये सब तुलसी के पेड़ हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये तुलसी तो हमारे यहाँ तो कोई और तुलसी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे जी तुलसी इतनी बड़ी बड़ी कैसे होती है, तो हमारे 3 प्रकार की तुलसी होती है, रामा और श्यामा, वो घर में पूजने के लिए होती है, जो भोग और प्रसाद में काम आती है। जी बिंदा तुलसी है, तुलसी माने बिंदा और वन माने जंगल। तो इसीलिए इसका नाम वृंदावन पड़ गया। हाँ जी। तो देखिए राधे राधे, आप जी दूध देख रहे हो ना, 16108 पेड़ है इस बंजंदर में। 16108 पेड़ हैं। गोपी थी हमारी कन्हैया की, पठानी जो हमारी कन्हैया गोपी है। आज भी जो पेड़ रात में गोपी कृष्ण बनते हैं और जो भक्त इनका विश्वास नहीं करते हैं उन्हें समाधि की शिलाओं में पाते हैं। आज भी यहाँ पे कोई ना बंदर, ना कोई पक्षी, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर कोई रुक नहीं सकता है। रात में कोई नहीं रुक सकता है यहाँ पे। 8 बजे के बाद जो यहाँ रुक जाते हैं वो यहाँ समाधि की शिलाओं में पाते हैं। अभी आप 4 धाम तो गए होंगे। 4 धाम, केदारनाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ। केदारनाथ, रामेश्वरम गए, बद्रीनाथ और एक अभी 2 नहीं गए। तो जी 4 धाम तुम्हारे कृष्ण के हैं। हमारे कन्हैया का जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में पालन हुआ है। वृंदावन में आकर के तुम्हारे कन्हैया ने क्या करा ये तो बताओ। हमारे कन्हैया ने यहाँ आकर के 9 लाख गायें चराई नंद बाबा की, जो गोकुल से लेकर के आया करते थे। अच्छा। उसके बाद में जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कालिया नाग का वध किया यहाँ पे, कालिया नाग को मार के उसके बाद में उन्होंने अपने माता और पिता दोनों को मथुरा जेल कैसे छुड़वाया, और छुड़वाने के बाद में उन्होंने अपने माता पिता को विश्राम दिया, फिर 4 धाम गए, केदारनाथ, द्वारका, रामेश्वर। 4 धाम गए। तो जब वो 4 धाम जा रहे थे तो आप में तो कभी कोई 4 धाम गए नहीं? नहीं, केदारनाथ गए और रामेश्वरम गए। तो कहते हैं जो भक्त लोग अपने माता पिता को 4 धाम नहीं दिखला सकते हैं वो यहाँ श्री कृष्ण का दर्शन करने से और प्रसाद लगाने से 4 धाम का उनका फल प्राप्त होता है। अच्छा। कहते हैं चलेंगे वृंदावन धाम और हमारे करेंगे माता पिता का नाम। ये नाम की भूमि कन्हैया जी, जहाँ मैं लेकर के जाऊँगा ताऊ जी के मंदिर में वहाँ माता पिता का नाम किया जाता है, और वहीं बैठे 4 धाम के राधे श्याम। अगर गलती से बिगड़ेंगे आपके घर में काम वो बनाएंगे दोनों राधे श्याम। और देखिए सुनिए, जो यहाँ भक्ति से आता है उसको सिर्फ बिहारी जी लूटते हैं, और जो यहाँ बेमन से आता है उसको ब्रज के बंदर पकड़ते मार देते हैं। लुटेरे की नगरी में आया आज आप। बंदर से वैसे भी लूट रहे चश्मे, उसमें सब लेके भाग जाए, और बंदर लूटता है मोबाइल और चश्मा पर्स से जो मंकी पकड़ लेता है मार जाकर। अभी हम जाएंगे ताऊजी मंदिर माता चंद्रा आगे, और ये दर्शन करो मेरे बड़े भैया। सभी लोग ये वो लोग हैं जो रात में चोरी और छुपे से रुक जाती है, इन लोगों ने विश्वास नहीं किया यहाँ पे, यहाँ कहते थे यहाँ मजाक होता है, इस बंदे अंदर में कोई लीला नहीं होती होगी, तो इन्होंने चोरी छुपे से पेड़ों के पीछे दुख के तो सब भक्तों की समाधि जो रात में रुक जाते हैं। यहाँ रात में चोरी से रुक जाते हैं उनकी समाधि, समाधियाँ सब देखिए, सबके नाम डेट ऑफ बर्थ बना लो।
कहा ये जाता है कि निधिवन में दिन में तो लोग आ सकते हैं, लेकिन रात में 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। लोग को यहाँ रुकना मना है। जो लोग ये मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हम रुक जाएंगे कुछ नहीं होता है, तो जो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, ये उनकी समाधि बनी हुई, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। बंदर हो या पक्षी हो या प्राणी हो, कोई भी रुक जाए, यहाँ रात में रुक नहीं सकता है। मतलब यहाँ पे पक्षी भी नहीं रुक सकते, कोई नहीं। जो मंकी भी सांप है जो बंद छोड़ देगा, मंकी भी चले जाते अपने आप आ जाएंगे ताली लगा। जिन पेड़ों को आप देख रहे हैं ये वृंदा तुलसी है, और कहा ये जाता है कि रात में 8 बजे के बाद जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे, कितने पेड़ हैं, 16,108, ये सारे पेड़ रात में 8 बजे के बाद सभी गोपियाँ बन जाती है, और यहाँ पे सिर्फ कृष्ण और राधा जी रहते हैं, बाकी और कोई नहीं रहता है। लोग ना पक्षी ना जानवर ना इंसान, कोई नहीं। लोग अपने छत से झांक भी नहीं सकते हैं, जो देख लेंगे वो भी अंधे हो जाएंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, और ये मतलब झूठ नहीं है एक तरीके से, ये रियल है, जो कि हमने अभी वहाँ पे आपको दिखाया कि जो लोग अफवाह नहीं है कि हम ऐसे ही बता रहे हैं, जो लोग ऐसा नहीं मानते कि नहीं ऐसा नहीं है, वो रुक जाते हैं, तो उन लोगों की समाधि वहाँ बनी थी, हमने आपको दिखाया। अभी आगे वैसे भी रासलीला देखना तो पाप है ना। इस जगह पर बनाया था बंसी चोर राधा रानी, जहाँ श्री कृष्ण ने या बाकी वैरी की इन्होंने राधा रानी ने बंसी चुराई है। अपने अच्छा, ये जो मंदिर है ये बंसी चोर राधा रानी का मंदिर है। बंसी चोर राधा रानी का मतलब कृष्ण ने श्री कृष्ण की बंसी और मुकुट चुराए, राधा जी ने, राधा जी ने, और कन्हैया ने चुराया माखन गोपियों का लूट लूट के। अच्छा, ये जाने का मौका मिले, महाराज श्री कृष्ण के हाथ में बंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ राधा रानी ने ले रखी है, यहाँ की मालकिन ये है। अच्छा, इसी वन से वो लोग पानी वानी लेके जाती थी गोपियाँ। हाँ। तो यही वन है जहाँ पे वो कंकड़ मार के उनकी मट्टी मट्टी तोड़ देते थे। आगे तो में ललिता कुंड जहाँ हम भीड़ में बच जाते थे। हाँ। ललिता और विशाखा वही बराबर है, इन दोनों कुंड पे पानी पिया है। विशाखा को रास मंडल बोलते हैं, यहाँ श्री कृष्ण रास करते हैं। 16,000 पटरानियों के साथ में दिखा दीजिए इसको, रास चौक रास मंडल बोलते हैं। जहाँ पे अभी लोग डांस वांस कर रहे हैं, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रास चौक। ये जो जगह आप देख रहे हैं यही वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आज भी अपनी 16,000 पटरानियों के साथ रास रचाते हैं, जहाँ पे लोग भी अभी डांस वगैरह कर रहे हैं। आज भी रात के 8 बजे वो यहाँ पे सबके साथ में रास रचाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे 8 बजे के बाद किसी को यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है। ये निधिवन के जो भी पेड़ है आप देख रहे हैं, नीचे से बिल्कुल सूखे और एकदम खोखले हैं, लेकिन ऊपर से इनकी पत्तियां एकदम हरी भरी हैं। इसका रीजन ये है कि इन पेड़ों को कभी पानी नहीं दिया जाता, सिर्फ बारिश के पानी से ये इतने ज्यादा हरे भरे हैं। है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, जो कि कहीं भी ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा पेड़ जो कि इतने सालों तक मतलब ऐसा रहे, पहली चीज यहाँ पे देखने को मिली। और आप देख रहे हैं यहाँ पे अंदर काफी ज्यादा साफ सफाई, ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे सफाई की गई हो, झाड़ू वाड़ू लगाओ, तो ये सफाई होती है यहाँ पे। जो यात्री लोग आते हैं वो लोग जाते हैं करते हैं, बट अभी नहीं हो रहा, नहीं तो हम भी अंदर जाते, हमको भी अंदर निधिवन में जाने का मौका मिलता कितना अच्छा होता। खैर कोई नहीं, बंदर बहुत है इतने ज्यादा कि मतलब आपको अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। जो कृष्ण कन्हैया वो माखन चोर है, लेकिन जो बंदर है वो यहाँ के चोर है। आपका पर्स, मोबाइल, बैग, चश्मा जो भी होगा सब खींच ले जाएंगे, जैसे अभी मैं साथ थोड़ी देर पहले हुआ है। और निधिवन जो जंगल है ना, इसके बीचों बीच में मतलब पेड़ है चारों तरफ, लेकिन जो लोगों के आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया है वो अलग से आप देख रहे हैं, सेपरेट दोनों तरफ से बांस लगा हुआ है, एकदम से कवर रास्ता है। अभी हम रंग महल में अंदर दर्शन करके आ गए हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आज भी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। यहाँ पे ये होता है कि जो लेडीजे आती हैं, जो मैरिड है, अपना श्रृंगार वगैरह लेके आती हैं, यहाँ पे रखा जाता है। जब मंदिर बंद होता है तो सारा जितना भी श्रृंगार रहता है वो रख देते हैं ऐसे लगा के, और उसके बाद जब सुबह कपाट खुलता है तो पूरा बिखरा पड़ा रहता है। ये उसको मतलब एक तरीके से सबूत देता है कि वो आज भी यहाँ पे आते हैं और राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। तो जो लेडी चार चीजें रखी जाते हैं, पान, दातुन, लड्डू और लोटे में जल, तो लड्डू फूटा मिलता है, जल पिला मिलता है, पान चमा मिलता है, दातुन लगा मिलता है। जो लेडीजे यहाँ पे अपना श्रृंगार लेके आती है वो श्रृंगार यहाँ पे रख लिया जाता है, और जो राधा रानी का भगवान उनका श्रृंगार करते हैं, तो जो यहाँ पे पहले से चढ़ा रहता है वो श्रृंगार उनको वापस मिल जाता है। और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं आप देख रहे हैं जो पूरा एरिया ये कवर है, बांस लगे हुए हैं, तो ये जो इसलिए कवर किया गया है क्योंकि ये इसकी पत्तियां तोड़ना, सूंघना, इसकी डाल तोड़ना पाप है, तो इसलिए इसको पूरा लगाया गया है, कवर किया गया है, जिससे कि लोग तोड़ ना सके और पत्तियों को तोड़ के सूंघ ना सके, पाप ना करे।
इसको काफी ज्यादा मेंटेन किया गया है, नहीं तो अब तक ये खत्म हो गया होता। बहुत पुरानी पेड़ है, अगर ये बना नहीं होता तो आई थिंक ये खत्म हो गया होता, लोग इसको खत्म कर दिए होते। दो तीन चार साल बाद बनाया, पहले नहीं था, सब पहले नहीं था, अभी बनाया दो तीन साल। ये फुला था तो लोग जाते रहे होंगे, तोड़ते रहे होंगे, पत्ती तोड़ते थे, डैमेज कर देते थे, इससे क्या अपराध माना जाता था इनका, तो अब इनको कोई तोड़ नहीं सकता, सुन सकता है। काफी मतलब कितने साल पुराना है? पौने 6000 साल। पौने 6000 साल जब भगवान थे तब कौन सा युग था? अभी तो कलयुग चल रहा है। अभी तो कलयुग चल रहा है। यहाँ स्वामी हरिदास जी ने 12.5 साल बैठ करके तपस्या करी इस जगह पर, और यहाँ से भूमि से 2 मूर्ति निकाली है, बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण के बड़े भाई और बांके बिहारी छोटे भाई, जिनके हम दर्शन करने जा रहे हैं। जी बाबा स्वामी हरिदास की समाधि है। और वहाँ से कन्हैया की पीतल की मूर्ति खरीद कर अपने साथ अपने घर लाई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, इस घटना को बताऊंगा। भीड़ भी बहुत हो रही है, ऐसे खड़े होंगे लग लग पार्टी में। जब आप खाली नेक्स्ट टाइम में आओगे ना मैम, तब आपको ज्यादा अच्छा कराएंगे। अभी आप भीड़ में आए हो बहुत। फिलहाल हम अपने इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वृंदावन वाला ब्लॉग? आई होप आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।